अच्छा वनिता, एक बात बताओ, जब सुबह सुबह तुम घर के घर से निकलती हो और ऑफिस के लिए आती हो, राइट, तो रास्ते में क्या क्या दिक्कतें आती हैं? बाप रे, कैसा सवाल पूछा है तुमने। हाँ मतलब घर से निकलने से लेकर ऑफिस के गेट तक घुसने तक। दिक्कतें दिक्कत ही तो आती है, मतलब कि कोई अंत ही नहीं लगता इन दिक्कतों का। नहीं फिर भी बताओ बताओ। सबसे पहले जब मैं गाड़ी निकालती हूँ तो सबसे बड़ी दिक्कत होती है अपनी सोसाइटी की पार्किंग से गाड़ी निकाल कर बाहर लाना। ओए ओए, वो एकदम ऐसे खड़े कर देते ना बिल्कुल अपना, एकदम पास पास मतलब गाड़ियां हाँ पास खड़ी पास रहती लगा है, के। ठीक है। वहां से निकाल के फाइनली जब गाड़ी आती है बाहर रास्ते पर, तो वो एक बहुत बड़ी दिक्कत होती है ओके, रास्ते तक उसको लाना, गेट से गलियों निकाल से कर, निकलना, हाँ मेन पार्किंग रोड तक की। लाना। उसके बाद तो सबसे बड़ी दिक्कत, मुझे लगता है कि जितने लोग हमें देख रहे हैं ना, उन सबकी दिक्कत यही होगी, क्या ट्रैफिक जैम। ओए होए, मतलब इतना ट्रैफिक, किसी तरह उसको मात करके पीछे छोड़कर लड़ते भिड़ते, मतलब एक्चुअली लड़ते भिड़ते नहीं, पर एक तरह से हम स्ट्रगल ही तो कर रहे होते राइट, हैं, किसी तरह मैं ऑफिस अपनी पहुंचती हूँ। मंजिल तक पहुंच जाती हो, बिल्कुल राइट। यही तो है, मतलब तुम निकलती हो, इतनी सारी दिक्कत परेशानी तुम्हारे सामने आती हैं, लेकिन फिर भी तुम उनसे लड़ती हो, उनको पछाड़ती हो, उन्हें हराते हुए आगे निकलती हो, कहीं रुकती नहीं हो, थकती नहीं हो, क्योंकि अगर ऐसा कर दोगी तो आई बिलीव तुम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगी, ऑफिस तक नहीं पहुंच पाओगी। इसलिए बिना रुके अपने एक मंजिल की तरफ एक फोकस आप बना के निकलते हो और कहीं नहीं रुकते, बड़ी से बड़ी मुश्किल आ जाए आपकी जिंदगी में, और अब तो आदत भी पड़ गई है। है ना। और तुम्हें पता है, ऐसी ही एक शख्सियत से मैं तुम्हें मिलवाने वाला हूँ जिसने जिंदगी की सड़क पर, उनकी जिंदगी की सड़क पर इतनी परेशानियां आई, इतनी परेशानियां आई जो शायद ये ट्रैफिक जाम वगैरह भी बहुत छोटी छोटी होंगी, लेकिन फिर भी उन्होंने उन सारी परेशानियों को मात दी, उनसे लड़ी, कभी हारी नहीं, कभी कहीं पर रुकी नहीं, थकी नहीं, और आज वो एक बहुत सक्सेसफुल इंसान है और अपनी मंजिल को पाया उन्होंने। कौन है ये? अरे बस वनिता, यही तो सरप्राइज है जो मैं तुम्हें और अपने व्यूअर्स को मिलवाऊंगा। तो जल्दी मिलवाओ। है तो मिलना चाहोगी? बिल्कुल। हाँ तो आओ मिलते हैं। बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। सुभद्रा कुमारी चौहान की ये कविता आज भी हमारे जहन में ताजा है। कविता में झांसी की रानी की वीरता और बुलंद हौसलों की गाथा का वर्णन है। ऐसी ही वीरता और हौसलों की मिसाल है 78 वर्षीय चंद्रा तोमर और प्रकाशी तोमर, जिन्होंने निशानेबाजी में खुद के साथ साथ पूरे राज्य और देश को एक अलग सोच और दिशा दी है। चंद्रो तोमर उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव जोहाड़ी की रहने वाली हैं। एक आम बुजुर्ग महिला, लेकिन अपने हौसले और लगन से खुद को खास बना लिया। एक छोटे से आए बदलाव ने उनकी जिंदगी में उत्साह के रंग भर दिए और निशानेबाजी में उन्होंने कमाल दिखाना शुरू कर दिया। ढोल डबड़े बज रहे थे, खेल हो रहा था, हमारे भाई ने क्लब खोल रखा, राजपाल डॉक्टर ने, फारू देख रेख में है, फारू खान, उसे लेकर आई। हाँ वो जो है, मैं कहा बेटा तू खेल लिया कर, कहने की माँ यहाँ तो डर लगे, मैं कहा मैं आ करूँगी तेरी गैल, तो उसकी गैल आने लगी। मैं आने लगी भाई, वो जो है बैठ के दो एक दिन तो मैं देखे बच्चे कुकर बैलेंस बनावे, कुकर छर्रा भरे, कुकर छुटावे। एक दिन वो लड़की गन को लगी लोड करन, उस पर हुई ना, मकम जदि ये मैं करूँगी, मैं लोड करके छर्रा भर के मारा, वो टैन में लग गया। वो लगने पर राजपाल डॉक्टर ने और फारू मांगे, इन्होंने पकड़ कर ली, दादी तू तो ठीक खेल लगी खेल, मगर बेटा मैं तो जुटू दे कुती करके भी सोचू लग गया। कहने के ना दादी खेल, मगर भाई एक ढाड़ तो खेल लूँगी, जो मारे घर को ना बताओ, मारा 50 मानसू का परिवार इकट्ठा ही, बिग फैमिली कहें जिसे। कहने लगे ना फिर बताने के नहीं, 2 साल लो तो धड़ाधड़ मेडल, एक मैं और मेरी दुरानी अलवर वाली महाराणी, तीनों की मारी टीम बन गई। निशानेबाजी में कुछ ऐसी लगन लगी कि उन्होंने अपनी बढ़ती उम्र और घर की जिम्मेदारियों को अपने हुनर के आगे आने नहीं दिया। लेकिन मुसीबतों ने अभी सिर्फ अंगड़ाई ही ली थी। समाज और आसपास के लोगों ने उन्हें ये एहसास कराना शुरू कर दिया कि औरतों की जगह घर में है। लोग अशी करे थे
ये बुढ़िया चलाऊंगी बंदूक। तो हम छुप छुप के जहाँ थे, फिर हमारा लड़का था एक आर्मी में, उनको प्रमोद को तो गोरू भेज दियो कारगिल में, तुम जाइयो तुम बंदूक चलाओगी। लोगों ने बहुत मजाक उड़ाई और इन्होंने भी बहुत रुक के दिए, ये धक्के खाती फिर काम नहीं करती, इन्होंने नहीं करती। फिर पहला मेडल मेरा दिल्ली में हुआ था स्पोर्ट पिस्टल में, DIG था धीरज सिंह, उसे हरा कर मेडल लिया था मैं। चंद्रो तोमर के साहस ने फिर भी अपने कदमों को जमाए रखा और इसमें उनका साथ दिया उनकी देवरानी प्रकाशी तोमर ने, जिन्होंने शूटिंग में न केवल जिले में बल्कि पूरे प्रदेश में सम्मान बटोरा और आज उनके परिवार में से ही काफी लोग विदेशों में भी शूटिंग में अपना परचम लहरा रहे हैं। चंद्रो तोमर और प्रकाशी तोमर की आज एक पहचान बन चुकी है, अपने बच्चों के लिए एक इंस्पिरेशन बन चुकी है, लेकिन आज भी उन्होंने अपने घर के कामकाज को सादगी से संभाला हुआ है। दुनिया के अंडे की घर में कौन जाने, सब अपने घर में रोटी पो गास करो, दादी हर को दुनिया जानेगी। फिर इन्होंने हम रोक के नहीं, फिर तो हम खुल कर खेल लिए, हमारे बच्चों ने हमें सहारा दिया कि शौक या खूब खेल लो, पैसा हम लगाओगे। तो हमने फिर भारत में चारों कोट खेली है, दो ओवर कोयम्बटूर, दो ओवर मद्रास, दो ओवर मैंगलोर, आसनसोल, अहमदाबाद, चंडीगढ़, हमने सारे को एक दो जगह तो मेडल नहीं मिला, ट्रॉफी मिली और मेडल मिले, नेशनल में भी गोल्ड मेडल लिए। ये दोनों आज भी एक साथ काम करती हैं। इनकी फुर्ती देखकर कोई नहीं कह सकता कि ये 70 साल पार कर चुकी हैं। आज चंद्रो देवी बच्चों को प्रेरणा देती हैं और जोहाड़ी राइफल शूटिंग और सिरसा में बच्चों को ट्रेनिंग देती हैं। अखिम हम प्रेरणा देने में खुश हैं क्योंकि खेलने में हाथ कम काम करने गया, प्रेरणा दे रहे हम जहाँ कहीं कोई कह रहा, ज़्यादा करके रेस बास मेरा सिरसा है और जहाँ कोई कहीं बुलावे राज्यपाल की रजा हो वहीं चली जाओ। चंद्रो तोमर और प्रकाशी तोमर की आंखों में एक बेहतर कल की उम्मीद है, जहाँ हर कोई इंडिपेंडेंट बने, खुद की पहचान बनाए और अपने मुल्क और परिवार का नाम रोशन करे। हमने उम्र भी पीछे हटा दी थी, हिम्मत और लगन ऐसी चीज हो, तो हम ये सोचते हैं सभी बच्चे लड़कियाँ लड़के सभी लगन करें, हिम्मत करें तो कामयाबी मिलेगी। पुरुष प्रधान समाज में जहाँ आज भी औरतों को बराबर का दर्जा नहीं मिला, वहीं चंद्रो और प्रकाशी जैसी महिलाओं के हौसलों को देखकर लगता है कि डेडिकेशन और बुलंद हौसले हों तो मुश्किलें खुद बखुद रास्ते से हट जाती हैं। चंद्रो देवी और प्रकाशी तोमर के जज्बे को हमारा सलाम। वाह विशाल, मानना पड़ेगा, मतलब मेरे घर से ऑफिस आने तक की तुमने जो स्टोरी है, जो इतनी स्ट्रगल से भरपूर होती है, उसको भी तुमने इतना इंस्पायरिंग बना दिया। बस यही तो कमाल है विशाल स्वामी का। वो तो है ना? मानना पड़ेगा। और वैसे फिर तो एक बात हूँ, अगर आंखें खोलो, ठीक है, और कहीं पे भी चल रहे हो, कहीं पे भी जा रहे हो, उठ रहे हो, बैठ रहे हो, अगर आंख खोल के आसपास देखो तो आई बिलीव कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तुम्हें इंस्पायरिंग मिल ही जाएगा, जो तुम्हारी लाइफ को एक एक बेहतर जिंदगी की ओर बढ़ाता हुआ ले जाएगा, है ना? और अगर हम एक पॉजिटिविटी अपने अंदर रखे तो। बात तो तुम सही कह रहे हो, बट फिर भी कोई कोई परेशानियां होती हैं जो उसमें समझ नहीं आता कि क्या करे इंसान। क्यों, आप क्या हो गया? कुछ नहीं, मतलब ऐसी थोड़ा सा लगता है कोई कुछ है तुम्हारे दिमाग में, एक परेशानी जो तुम्हें परेशान कर रही है, है तो? तो कोई बात नहीं, एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद बता देना, ब्रेक के दौरान चाय वाय पी लेंगे, ब्रेक के बाद बता, राइट? ठीक है, तो व्यूअर्स यहाँ पे ले रहे हैं एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक, कहीं मजा आएगा, जल्दी वापस आ रहे हैं।